ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्नि गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो सुते वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सचा विष्णु भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काकभूषण जी का प्रसंग पढ़ रहे थे, इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए शिव जी उन्हें कृपा कर आशीर्वाद दे रहे हैं। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है, तथा कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के समान जानना। यानी जब भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, जितनी आप उनकी सेवा करोगे उतनी आपको कृपा प्राप्त होगी। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह विप्रद्रोही अग्नि में भस्म हो जाता है। संत से विरोध करने से इंसान के सारे पुण्य नष्ट हो जाते, उसका नाश हो जाता शीघ्र। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत पे कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरे एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अपार गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वही बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतते हुए बिना ही परिश्रम कष्ट मैंने वह श्री त्याग दिया। हे हरिवान, मैं जो भी श्री धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा किया, मैंने भी क्लेश नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से श्री धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तेरी क्यों नहीं, यानी पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता वहाँ वहाँ वो शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता, क्योंकि कृपा से पूर्व जन्म का ज्ञान था इससे भजन जारी रखा। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम श्री ब्राह्मण का पाया जिससे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण श्री में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीला किया करता। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे, मैं समझता सुनता विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में सारी वास्ते बागी, केवल श्री राम जी के चरणों की लव लग गई। हे गुरु जी कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मगना रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए, जब पिता माता कारणवश कालवश हो गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का
जब माँ पिता माता कालवश हो गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गुरु जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएँ पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी कृपा से मेरी सर्वत्र आबाद गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वही जा सकता था। मेरे तीन प्रकार की पुत्र की धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई। वैसे तो मनुष्य के अंदर बहुत कामनाएं होती हैं, तीन प्रबल होती है, पुत्र की धन की और मान की, कि लोग मुझे अच्छा समझें, कहते वो भी ख़त्म हो गया, यानी भजन के बल पे सब खत्म हो जाता है। और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करो तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, वह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण कर मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैं उनके चरणों में सर नवा अत्यंत दीन वचन कहे, हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछ लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजाने, हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी गुणों की कुछ कथाएं आदर से कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। इसका मतलब ये होता है कि प्रभु के अनंत नाम है। जिस नाम से आप प्रभु को पुकारोगे उसी के अनुसार प्रभु रूप धारण करके आपके पास आएंगे। तो यानी आपको प्रभु का कौन सा रूप प्रिय है वो रूप लेके आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु का ना नाम है ना रूप है, नाम भी है रूप भी है, लेकिन ये कोई नहीं कह सके यही नाम और यही रूप है, ये कोई नहीं कह सकता। वह मन और इंद्रों से परे निर्मल विनाश रहित निर्विकार सीमरित और सुख की राशि है। वेद ऐसा कहते वही तू है तत्त्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उस पे और तुझ में कोई भेद नहीं है। भेद ना होते भी भेद है, मतलब ये होता है कि बूंद समुद्र का अंश है तो क्वालिटी वाइज दोनों सेम है लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। बूंद अब आप देख सकते हो कि आप ग्लास में ले लो या किधर भी ले सकते हो, नाले में जा सकती है, कुएं में जा सकती है, नदी में जा सकती है, लेकिन समुद्र को कोई कुछ पकड़ नहीं सकता। तो इसका अर्थ यही हुआ कि क्वालिटी वाइज हम सेम है लेकिन जीव ईश्वर का अंश है, इससे वह माया के अधीन है और ईश्वर माया से परे हैं। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहे, मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वो उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर अयोध्या नाथ को देखकर
तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मठ का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। यानी एक तो आप कथा कहते हो, अगर कथा है तो रूप होएगा, फिर आप कहते हो उसका रूप नहीं है, यानी आप विरोधी बातें कर रहे हो। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, ऐसे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर भी ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी का बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोधित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? द्वैत का मतलब कि अपना अपराय। तो कहते हैं अज्ञानता के कारण ही तो द्वैत है, ये मेरा है ये पराय। अगर उच्च स्थिति भक्ति की होगी तब क्या होता है कि सब कुछ प्रभु का है, प्रभु से भिन्न कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के भाव होते हैं। माया के वश रहने वाला परिच्छन जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? नहीं हो सकता। सबका हित करने हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरों के द्रोह से करने वाला क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या आसक्तिपूर्ण कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के शुभ बुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाला कई जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राजा रह सकता है? श्री हरि के चित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? यानी सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अरबों साल बाद मनुष्य शरीर मिलता है और जी भजन न किसको व्यर्थ गवा दे, इससे पता नहीं दोबारा का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। नरकों में जाओगे लाखों साल करोड़ों साल नरक में रहोगे, फिर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पेड़ पौधे के द्वारा आगे बढ़ोगे और फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा पता नहीं। इसलिए कहते हैं कि भजन कर लो, जब शरीर है छूटने पर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गुरुजी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले, अरे मुड़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलील कर लगता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, और तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। भैया, आप जिसको कह रहे तो कहता तत्व से तेरे में उसे भेद नहीं है, फिर आप शराब भी दे रहे हो। वेरी जो आप बोल रहे हो उसकी आपको अनुभूति नहीं है। अगर होती कि ये प्रभु का अंश है तो आप कैसे शराब दे सकते रहे? तो मतलब कि आप भेद मानते हो, तभी तो आपने शराब दिया है। और आप कहते हो ये पक्षवादी है, ये सगुण का पक्ष ले रहा है, क्या आप निर्गुण का पक्ष नहीं ले रहे हो? क्या आप पक्षपाती नहीं हो? अगर ये चाहता तो ये भी शराब दे सकता था। तो मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर धारण किया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई।
तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर अरुगुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हो, माँ जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर किससे वैर करें। यानी ये भक्ति की दृष्टि होती है, जितने भी जीव हैं मेरे प्रभु के अंश हैं, तो फिर मैं किससे वैर करूं। और ये तो उसके लिए लेकिन भक्ति चाहिए, बहुत हाई लेवल की भक्ति चाहिए, तब इस प्रकार के भाव होते हैं। लोअर लेवल पे नहीं, उत्तम अधिकारी ही भक्त इस प्रकार देख सकता है, ना कनिष्ठ और ना मध्यम। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षिया गुरु जी सुनिए, उसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है। रघुकुल के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय के में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। आम इंसान होता वो कहता, देखो जी इतना भजन करने के बाद मैं ब्राह्मण से कौवा बन गया, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मैं भजन ही छोड़ देता। क्योंकि भक्त है, भक्त की दृष्टि सर्वत्र भिन्न होती है। उन्हें क्या दिखाई दिया कि प्रभु देखना चाहते थे मेरे में कितनी दृढ़ता है, मैं भजन का त्याग करता हूँ कि बनाए रखता हूँ। क्योंकि जो थोड़ी भी विपत्ति है और भजन का त्याग कर दे, इसका मतलब उसके जिम में कोई कथा नहीं है, उसे भगवान से कोई प्रेम नहीं, वो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए है। और स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही और वो दूसरी तरफ भागेगा जहाँ पर उसकी स्वार्थ पूर्ति होगी, इसे भगवान से कोई लेना देना नहीं। जो भक्त होते हैं उनकी सोच अलग होती है, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि मैं इसको सर्वश्रेष्ठ चीज़ प्रदान करने वाला हूँ, अपना धाम प्रेम देने वाला हूँ, तो क्या उसके सर्वथा योग्य है कि नहीं योग्य है। ये विचलित तो नहीं हो रहा थोड़ी विपत्ति प्राप्त करने पे, अगर विचलित हो रहा है तो मतलब यह कि ये मुझसे भी प्रेम नहीं करता, ये प्रेम का अधिकारी नहीं है। अगर दृढ़ता बनी रहती है जैसे काकभूषुंडी के हृदय में थी, तो तब जाके प्रभु उसको सर्वश्रेष्ठ चीज प्रदान करेंगे। तो कहते हैं, मेरे प्रेम की परीक्षा ली, मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान मुनि को मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। अब प्रभु की बुद्धि को पलटना ही पड़ा, इतनी भक्ति शरणागत देखे। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव धैर्य आकर विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास को देखा, तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। और मैं ही चाहता कि मुझे राम नाम संतों के द्वारा प्राप्त हुए। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान यानी ध्यान की विधि बताया, सुंदर और सुख देने वाला ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया, आदरपूर्वक मुझे वह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, हे ता यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था, तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैं तुमसे सब क्षेत्र विस्तार के साथ कहा। ये तात जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर अपने कर कमलों से मेरा सर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी, तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, यानी जो रूप चाहो आप उसको धारण कर सकते हो, इच्छा मृत्यु जिसकी
शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, शिव भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ एक योजन तक अविद्या नहीं व्यापेगी। इसी कारण से जब गुरुजी इनके आसन पर आए तो इनके सारे शोक खत्म हो गए, इनके सारे भ्रम खत्म हो गए, क्योंकि वर मिला है कि एक योजन तक यानी 14 किलोमीटर तक अविद्या का वास नहीं होगा। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेक प्रकार से सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मर्म के चित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट वर्णित और लक्षित हैं, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरण में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गुरु जी, सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर भ्रम मानी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। मुझे श्री राम जी कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीरा, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए, यानी ये जो कथा है 27 कल्प पुरानी है। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और सुंदर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी के चरणों में नगरी में रहता हूँ और प्रभु के शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप की को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ, जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तार, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आह, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक श्री इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी श्री से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पा लिया। भजन का प्रताप तो देखिए। तो उन्हें पूछा गया, जब आपको जो रूप चाहे आप धारण कर सकते हो, तो आपने वह रूप आप मनुष्य रूप धारण कर लेते? तो कहते, नहीं, मुझे मनुष्य शरीर प्रिय नहीं है। कहते, मनुष्य शरीर धारण करूँगा तो मुझे चल के जाना पड़ेगा अयोध्या, बहुत दिन लग जाएंगे, और उसमें भी प्रभु के दर्शन जब हों तो मैं प्रभु की सेवा तो छोड़, प्रभु मेरी सेवा करेंगे और अपना जूठा भी नहीं खिलाएंगे, इससे मुझे मनुष्य शरीर प्रिय नहीं है। तो कहते, अब तोते का शरीर धारण कर लो। कहते, तोते को लोग पकड़ के पिंजड़े में रख देते हैं और तोता तो झूठन खाता नहीं है, इससे मुझे तोते का शरीर भी प्रिय नहीं है। फिर उन्हें कहा कि आप हंस का शरीर धारण कर लो। कहते, हंस तो केवल मानसरों में ही वास करता है, कि तो और नहीं रहता, इसलिए मुझे वो भी प्रिय नहीं। तो इस शरीर की विशेषता कौवे की। कहते, कौवा ही एक ऐसा प्राणी है जो सब जगह जा सकता है, उसे कोई पकड़ता नहीं है, कोई पिंजरे में रखता नहीं है। दूसरी चीज़, कौवा ही ऐसा पर जो जूठन खा सकता है, यानी मुझे राम का जूठन खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कहते हैं, जिस शरीर से मैंने राम जी को प्राप्त किया वो शरीर मुझे अत्यंत ही प्रिय है। और तीसरी चीज़, अब जब मैं कौवा बन गया तो मैं उड़ के जा सकता हूँ और प्रभु के आंगन में उनकी लीला के नित्य दर्शन कर सकता हूँ, इसे ये प्रिय, ये शरीर मुझे बड़ा ही प्रिय है।
जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी भी कामधेनु को छोड़कर दूर के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, भवानी भूषण जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं कहा, आदर नहीं किया। हे कृपा के दाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है यह सब मुझसे कहिए। गुरु जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षर, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवान सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ होती है, परंतु हे जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना ही न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं और श्री रघुनाथ जी के चरणों से विमुख हैं। हे ज्ञान के विज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैनी यानी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गुरु जी, साक्षात भगवान की माया ही स्त्री रूप में प्रकट हुई है। अब मैं कुछ पक्षपात या मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गुरु जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप में दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर शिवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बचती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपना प्रभाव कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि, वे सब सुखी खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये ज्ञान और भक्ति में भेद बताना चाहते हैं। कहते ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये पुरुष है, यानी पुल्लिंग में आते, मैस्कुलिन नाम में आते हैं, और माया स्त्री है। तो स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, यानी ज्ञानी, योगी, वैरागी, इनके प्रति स्त्री का आकर्षण होता है और इनके प्रति आकर्षित होती है, वो भी होते हैं, इनका पतन हो सकता है। क्योंकि ज्ञानी, वैरागी, योगी ये शब्द बड़े बालक माने जाते हैं, और बड़े बालक जो होते हैं उनको अपनी बुद्धि और बल का भरोसा होता है, वो प्रभु पर आश्रित नहीं रहते। लेकिन भक्त जो होता है वो छोटा बालक होता है, वो प्रभु पर आश्रित रहता है। दूसरी चीज, एक स्त्री दूसरी स्त्री पर मोहित नहीं रहती, क्योंकि माया और भक्ति दोनों ही स्त्री है, एक स्त्री दूसरी स्त्री पर मोहित नहीं होती।
जिसके पास भक्ति रूपी स्त्री है वहाँ पे माया रूपी स्त्री नहीं आती, और भक्ति भगवान को प्रिय है इसलिए माया डरती है, इसलिए भक्त का कभी नाश नहीं होता। ज्ञानी वैरागी योगी कर्मी इनका नाश होता है, इनका पतन हो सकता है, क्योंकि भगवान पर निर्भर नहीं है। निर्भर यानी कंटिन्यूस चैंटिंग करना ही भगवान पर निर्भर होने के लक्षण होते हैं, क्योंकि भक्त यही मानते हैं मेरे पास बुद्धि बल नहीं, शस्त्र बल नहीं, शास्त्र बल नहीं, धन बल नहीं, सैन्य बल नहीं, एक ही बल है वो राम बल। इससे वो कंटिन्यूसली हरिनाम करता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस हरिओम का छोटे बालक की तरह, जिस प्रकार छोटा बालक माँ को बुलाता हर वक्त, उसी प्रकार प्रभु को हर वक्त बुलाता है, तो प्रभु का ध्यान अपने छोटे बालक पर जाता है, क्योंकि वह कंटिन्यूस चैंटिंग करता है और इससे उसकी रक्षा प्रभु करते हैं। बड़े बालक जो है जो मानते हैं मैं अपनी बुद्धि बल प्रयास है योग्यता से प्राप्त करूंगा, तो उस पर प्रभु की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती और इसलिए उनका पतन होता है। भक्त को छोड़ के सबका पतन होता है, इसलिए जीव को भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, और भक्ति भगवान को प्रिय है, मैं डरती और भक्त कभी नाश नहीं होता। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता, श्री रघुनाथ जी कृपा से जो इसे जान जाता है उसे सपने मोह नहीं होता। ये सुचतुर गुरु जी ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविचन प्रेम हो जाता है। हे ताज, यह अकथनीय कहानी है, वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतव एव अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। यही बात को तो हम भूल चुके हैं कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। इसलिए मेरा एक ही कर्तव्य है, ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर का भजन करना, मेरा दूसरा कोई काम नहीं है। हमने क्या इस आत्मा को भजन न करने के कारण, विमुख होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर यानी वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, कभी देवता, कभी मनुष्य का, कभी पशु पक्षी, कभी और उन्हीं का, वो अपना नित्य मान लेता, उसी में सुख की अनुभूति करता है, ये उसका दुर्भाग्य है। साधु संग करेगा, कथा सुनेगा, नाम जप करेगा, तो वो शरीर के नाते जितने भी संसार में नाते हैं वो अस्थाई यानी टेम्पररी हैं, विद शरीर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और मैं ईश्वर का अंश, मेरा ईश्वर का नित्य संबंध है, इसलिए मेरे को नित्य उसी की सेवा करनी चाहिए, उसी से आसक्ति रखनी है, उसी से उसी की भक्ति करनी है। ये बात हमको अपने दिमाग में घुसानी है। तो कहते हैं, हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया, यानी किसी ने उसे बंधाया नहीं। जैसे उदाहरण दिया जाता है एक बंदर का, बंदर को पकड़ना है तो क्या काम करो, एक मटका लो जिसका मुंह छोटा है और बंदर के सामने उसके अंदर छोले डाल दो और आप जाके छुप जाओ। बंदर क्या करता है, जब देखता है कि उधर छोले हैं वो हाथ डालता है, बड़ी आसानी से चल लेता है। जब वो छोले को पकड़ के बाहर निकालता है हाथ, तो उसका हाथ अटक जाता है। बंदर को क्या लगता है, किसी ने मेरे हाथ को पकड़ा है, पकड़ा किसी नहीं था, उसने छोले पकड़े इससे हाथ अटक गया। उसको कहा छोले छोड़े तो हाथ निकल आएगा, वो छोड़ता नहीं इससे निकल नहीं पाता। उसी प्रकार हमें किसी ने नहीं बांधा, हमने संसार में आसक्ति पैदा किया है और हमने अपने आप को बांधा है। उसे कहो कि आसक्ति भगवान के चरणों से कर ले, भगवान से कर ले, आपकी आसक्ति संसार में ख़त्म हो जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन जीव ये नहीं समझने को तैयार और ना ही वो करता है, उसे गर्व होता है, मैं संसार में आसक्त हूँ, मेरी आसक्ति इतने लोगों के अंदर है, परिवार में है। ये भूल जाता है कि वह मूर्खता है आसक्ति संसार में रखना, परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, क्योंकि विद समय हमेशा अपने बिखर जाने और कभी मिलना नहीं है। क्या बचा, केवल आपके कर्म जो आपको मरने के बाद आपके साथ जाएंगे। अगर आप भक्ति की भगवान का आश्रय ले तो तर सकते हो, नहीं तो वापस 84 लाख चूने में भटकना पड़ेगा। कलयुग
500 साल में इतनी तबाही हुई है, आप सोचो आगे कलयुग और बढ़ेगा, 427,000 साल और निकलने हैं सत्युग शुरू होने के लिए, तो कितना दुख आने वाला है। फिर भी इंसान भजन ना करे, पाप कर्म करे, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। कहते वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन ग्रंथि गाढ़ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके हृदय में उसके छूटने में कठिनता है। तो किसी ने गांठ तो बांधी नहीं है, ये झूठी है, लेकिन फिर भी वो सत्य मान रहा है, यही तो अज्ञानता है। तभी से जीव संसारी जन्म ने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बताए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, अधिक अधिक उलझती ही जाती है। यानी आप बुराई को नहीं छोड़ सकते, आप संसार के आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, बात सही है, लेकिन भगवान में जो आसक्ति बढ़ेगी तभी तो संसार की आसक्ति घटेगी। आपकी सारी इंद्रियां जब भगवान की सेवा में व्यस्त हो जाएंगी, बिजी हो जाएंगी, तभी तो जीव पाप कर्म से बच सकता है। ये तो वो कर ही सकता है। हमने ये नहीं कहा कि तुम आसक्ति काटो, हम ये कहते हैं भगवान में आसक्ति बढ़ाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जीव सब जगह आसक्ति बढ़ाता है भगवान को छोड़ के, और परिणाम क्या होता है, संसार के हर चीज़ टेम्पररी अस्थाई है, परिवर्तनशील है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चीज़ परिवर्तित हो तो, और हम दुखी हो जाते हैं। इससे कहा हरि सत्य है, हरि का भजन सत्य है। नहीं, मरने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य, लेकिन जीते ही समझते नहीं। अगर यही सत्य है जो हमेशा था या रहेगा, तो इसको पकड़ के इसकी सेवा क्यों नहीं की, इस नाम की। मैं किसी को कोई समझ ही नहीं है इन चीज़ों की, इसलिए एक फॉर्मेलिटी के लिए कह देता है, समझता कुछ नहीं है। अगर समझा होता, प्रभु का भजन किया होता और तर गया होता। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देखी नहीं जा पड़ती, देखी नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर दे, तब भी कजाति वो ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि के कृपा से यदि सात्विक बुद्धि रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति यानी संसारी विश्व से प्रपंच से हटना नोई गौ के धोते समय पिछले बैर बांधने की रस्सी है, विश्वास बर्तन है, निर्मल मन है और स्वयं और जो स्वयं अपना दास है अपने वश में धोने वाला अहीर है। इसका मतलब क्या है, अगर जीव को घी चाहिए जो जलाने के लिए, तो सबसे पहले गाय की जरूरत है। कौन सी गाय, श्रद्धा रूपी गाय जीवन में आए, जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। केवल गाय लाना पर्याप्त नहीं है, उसको चारा खिलाना पड़ेगा तब दूध बनेगा। तो कौन सा चारा, सत्कर्म का चारा, पूजा पाठ जप तप व्रत जो हम करते हैं, ये सत्कर्म का चारा खिलाओगे तो धर्म रूपी दूध बनेगा। दूध निकालना है, वो कौन निकालेगा, मन अहिर यानी दूध निकालने वाला, उसके लिए बर्तन चाहिए, कहते विश्वास बर्तन है। तो मन के द्वारा धर्म रूपी दूध को निकाला जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं, हे भाई, इस प्रकार धर्माचार प्रवत सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन को निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे।
मैं पढ़ लेता फिर इसकी व्याख्या करता हूँ। तब मुदिता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी यानी दम यानी इंद्रियों के दमन के आधार पर दम रूपी खम्भे के दम रूपी खम्भे आदि के सारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उस पर समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे यानी सब कर्मों को योग रूपी अग्नि भस्म कर दे। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चाप बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपी बुद्धि से उस निर्मल घी को पाकर उसे चित्र रूपी दिए पर भरकर समता की दियो बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखें। जाकर सप्तम सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाएं और सत्व रजोत्तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरियावस्था की रुई को निकाल कर और फिर उसे सवार कर उस पर सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आदि पतंगे जल जाए। तो हमने क्या पढ़ा था कि दूध तो निकाल लिया था, अब दूध निकालने के बाद उसे गर्म करना पड़ता है। फिर गर्म क्यों करना पड़ता है, गर्म नहीं करोगे तो दही कैसे जमेगा, तो गर्म करना पड़ता है। नहीं मतलब यह जीवन में निष्कामता की अग्नि, निष्कामता का मतलब ये नहीं होता कि जीरो होना, भगवत कामना बढ़ने से संसारी कामना घटती है उसे कहते हैं निष्कामता, जिसके अंदर संसारी कामना ना हो। तो कहते हैं अगर अग्नि में नहीं जलाओगे तो पतला का पतला ही रह जाएगा दूध, तो उसमें से ना दही जमेगा ना कुछ आगे प्राप्त कर सकोगे। तो निष्कामता की अग्नि में जलावे और फिर क्या कहते हैं उसको, समा असंतोष पे हवासों से ठंडा करे। तो इसका मतलब क्या होता है, उतना भी गर्म ना करे कि दूध बाहर गिर जाए। मतलब कि निष्कामी इंसान को अपने निष्कामता का अहंकार नहीं होना चाहिए। कामी इंसान में तो दीनता दिखती है, निष्कामी को असहनशील होता है, सहन नहीं कर पाता है और अहंकार होता है। तो कहते साथ साथ में क्षमा और संतोष रूपी हवा से, यानी जलाओ गर्म करो लेकिन क्षमा और संतोष हवा से ठंडा भी करो। मतलब कि निष्कामता के साथ हमें दो चीज़ें की जरूरत है, क्षमा और संतुष्टता। प्रत्येक इंसान अपने प्रति क्षमा और दया के चाहता है लेकिन दूसरों के साथ न्याय चाहता है। जब दूसरों के साथ न्याय करोगे जिस पर दंड दिया जाता है तो ईश्वर भी आपके प्रति न्याय करेंगे, आपको दंडित करेंगे। जब आप क्षमा दया के भाव रखोगे तभी ईश्वर भी आपके प्रति क्षमा और दया के भाव रखेंगे। फिर क्या कहते हैं जी, तो उतना ही गर्म को जितने की आवश्यकता है और क्षमा और संतोष रूपी हवा से ठंडा करें। अब क्या करना चाहिए, ठंडा तो हो गया, अब जामुन की जरूरत होती है तो हमारे कभी घर में तो दही जमाया नहीं तो कहाँ से जामुन आएगा, तो बाहर से लाना पड़ता है। यानी संतों से जाके कथा सुनो, जब कथा सुनोगे तब बुद्धि में स्थिरता आती है। जब बुद्धि में स्थिरता आएगी तो जब दही जम जाता है तो उसका मथना पड़ता है तब मक्खन निकलता है। इसका मतलब उस कथा का चिंतन करो, चिंतन करने मात्र से वैराग्य रूपी मक्खन उत्पन्न होता। मतलब कि जितना भगवान का चिंतन करोगे भगवान में आसक्ति बढ़ेगी, संसारी आसक्ति घटेगी, उसी को वैराग्य कहा गया है। तो वैराग्य रूपी मक्खन निकलता है। तो मक्खन में भी पानी होता है, शुद्ध ज्योत ही जलती है। यानी वैराग्य को आपके वैराग्य का अभिमान होता है, मैं वैरागी हो त्यागी हो उसका ईमान। फिर तो क्या करता है, उस मक्खन को भी गर्म करना पड़ता है और जब गर्म करते हैं तो जो थोड़ा बहुत पानी होता है उस पर वो निकल जाता है और शुद्ध घी रहता है और फिर जोत अच्छी जलती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इंसान भगवान के प्रेम में डूबना पड़ेगा। जब डूबेगा योग यानी मिलन यानी योग रूपी अग्नि यानी ईश्वर के प्रेम में डूबोगे तभी इंसान
तीनों गुणों से परे हो सके, सतोगुण से परे हो सकता है। यानी जब तक उसको अपने अंदर गुण दिखाई देंगे उसका अहंकार भी होएगा। प्रेम में डूबने से उसे किसी बात का ज्ञान नहीं रहता और उस प्रेम की अवस्था में ही यानी हम दीपक जला सकते हैं, शुद्ध घी निकलता है जैसे हम दीपक जला सकते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आदि पतंगे जल जाए। यानी तब कहता है मद यानी श्रेष्ठता का नशा और भी कई बुराइयां होती हैं वो जल जाती हैं। सो हमस्वी या ब्रह्म मैं हूँ यह भी अखंड तेल धारावट कभी न टूटने वाली वृत्ति है। वही इस ज्ञान दीपक को परम प्रचंड दीप शिखा की लौ है। मतलब क्या है सो हमस्वी का मतलब क्या है? वो इसका मतलब नहीं कि ब्रह्म मैं हूँ, मैं ब्रह्म बन गया हूँ, मतलब प्रभु मैं तेरा अंश हूँ। ये बात की रियलाइजेशन कब होती है? जब ज्ञान का दीपक जलता है। फिलहाल हमने थियोरेटिकली इसको समझा है, हमने पढ़ा है, इसलिए हमने मान दिया है, लेकिन उसकी रियलाइजेशन नहीं हुई। जब ज्ञान का दीपक जलेगा तब यह रियलाइज हो कि प्रभु मैं तेरा हूँ और मैं इतना बेवकूफ था कि तेरी सेवा छोड़ के सबकी सेवा की, रात दिन तेरा चिंतन करना चाहिए, तेरे गुणगान करने चाहिए थे, तेरे नाम को जपना चाहिए था, उसे छोड़कर मैंने सबका किया। कहते हैं वह जो यह जो अखंड तेल धारावट कभी ना टूटने वाली वृत्ति है वही इस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्मा अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन को गाठ को खोलती है। तो कहते जब दीप जलता है तब हम अपनी कमियों को देख सकते हैं और गांठ को खोल सकते हैं। मतलब कि तब हम ईश्वर से आसक्ति कर सकते हैं, तब हमें पता चलता है कि मैंने व्यर्थ ही जीवन बर्बाद किया सबसे आसक्ति की ईश्वर को छोड़ के, और की तो उन जड़ वस्तु से कि शरीर भी तो जड़ वस्तु ही आती है तो फिर किससे आसक्ति करें? जड़ से ही तो करें, आत्मा से तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आत्मा को हमने देखा नहीं और आत्मा ईश्वर का अंश है, वो अविनाशी है। तो इंसान जड़ वस्तु से अज्ञानता के वश अपना मान लेता और उस पर आसक्त हो जाता है और महान बलवती अविद्या का परिया मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तो वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्मा अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब वह जीव कृतार्थ हो जाए। परंतु हे पक्षीराज गुरुजी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, समस्या एक नहीं है, कई आती है, देवताओं के द्वारा भी आती है क्योंकि उन्हें बर्दाश्त ही होता कि आप भव सागर से तरे हो, वो स्वयं तो तर नहीं सकते हैं तो अहंकार पैदा करेंगे भजन का, रिद्धि सिद्धियों को भेज देंगे जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे रिद्धि सिद्धि कल यानी कला बल और छल करके समीप आती है, आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। जैसे जीव को वाक सिद्धि जो बोलता है वो हो जाता है, या शरीर को बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, हल्का कर सकता है, पक्षी की बोली समझ सकता है, हजार किलोमीटर क्या हो रहा है वो उसे देख सकता है। इस प्रकार ये कई प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। इंसान को जब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, अगर वो सयानप हुआ तब तो बात अलग है, लेकिन जीव आम इस पर फंस जाता है और वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है, दिखाता है मैं कितना बड़ा भक्त हो गया हूँ और अपनी आप को पुजवाना शुरू करता है।
भगवान की सेवा करने के पहले पूजा करने के बजाय उन शक्तियों भगवान की सेवा में लगाने के बजाय वह उनका दुरुपयोग करता है प्रदर्शन के द्वारा, और क्या होता है धीरे धीरे वह शक्तियाँ खत्म हो जाती है, फिर उसका पतन हो जाता है। तो कहते हैं वह छल बल और करके समीप आते ही आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीप पर बुझाती थी। तो ये सारे जो है खिलौने हैं जो रिद्धि सिद्धियाँ हैं जो हमारे ज्ञान दीपक को बुझा देती हैं। हे भाई वह बहुत ही यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वह रिद्धि सिद्धियों के को अहित कर हानि कर समझ कर उनकी और ताकती नहीं। यानी बुद्धि बहुत सियानी अगर साधु संगी होए तब तो बात अलग है कि आप इनकी और ध्यान भी नहीं देखोगे। इस प्रकार यदि भयानक विघ्नों से बुद्धि को बाधा न ही तो फिर देवता उपाधि यानी विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं, वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वो विषय रूपी हवा आते देखते हैं तो ही हट पूरा किवाड़ खोल देते हैं, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय पर देवता का वास है, देवता भोगी होते इससे हमारी इंद्रिय भोगों की ओर जाना शुरू करती हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। मतलब क्या हो गया कि दीप जलाया तो हवा आई तो वो बुझ गई, उसी प्रकार जब हृदय में ज्ञान का दीपक जलाए तो रिद्धि सिद्धि आती है, प्रलोभन आते हैं, अट्रैक्शन आते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो दीपक जो हृदय में जलाए वो बुझ जाता है, गांठ भी नहीं छूटी और वो आत्मा अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया, विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया क्रय चौपट हो गया। इंद्रिया और उनके देवता ज्ञान स्वाभाविक नहीं सुहाता क्योंकि उनके विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। अब बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली कर दिया, तब फिर उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेक प्रकार से संसति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में यानी समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन। यदि गुणाक्षण न्याय से नहीं संजोग कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेक विघ्न है। ज्ञान का मार कृपान दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती, जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही कैवल्य रूपी परम पद को प्राप्त करता है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले तो वही संसार से तर जाएगा। यानी आप सोचो ज्ञान समझाने में कठिन, समझने में कठिन और दोनों चीज़ हो जाए तो उसका चलने में कठिन, बहुत मुश्किल होता है और उस पर कोई रस भी नहीं होता। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र यह कहते हैं कि केवल रूपी परम पद अत्यंत दुर्लभ, यानी मोक्ष कितना दुर्लभ है, जब ज्ञान का दीपक जलता है उसके बाद हम मुक्ति प्राप्त नहीं बुझा तो तब मुक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा के भी जबरदस्ती आ जाती। यानी केवल राम राम करने मात्र से जी बड़ी आसानी से मुक्त हो जाता है। जिस ज्ञान के द्वारा इतनी कठिनाई से मोक्ष मिलता है वही भजन करने से यानी हरिनाम करने से बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि भक्ति की परिभाषा क्या है, भगवान के नाम का जप और गुणों का गान करना ही तो भक्ति कहा गया है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता
चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही पक्षीराज सुने मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। यानी मोक्ष भक्ति के अधीन है, इससे जो भक्ति करेगा उसका मोक्ष अपने आप प्राप्त होगा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसति जन्म मृत्यु रूप संसार की को जड़ अविद्या बिना ही सब और परिश्रम अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठ रखनी अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवक स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता कि मैं सेवक हूँ और राम जी मेरे स्वामी। यही भाव रखोगे तो आप भजन करोगे। ज्ञानी कहते सो हम मैं ब्रह्म हूँ तो आप किसकी सेवा करो, क्योंकि आप ब्रह्म तो ब्रह्म ब्रह्म की सेवा थोड़ी करता है। यही तो वो गलतियाँ करते। एक्चुअल अर्थ होता प्रभु मैं तेरा अंश हूँ, यह अर्थ होता है, लेकिन वो लोग गलत अर्थ पे थे कि मैं ब्रह्म हो गया हूँ, ये गलत है। तो कहते हैं भगवान हे मैं सेवक का भवन मेरे स्वामी, इस भाव के बिना संसार समूह से तरा नहीं जा सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है, जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव बचते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, आप भक्ति की रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। जो ज्ञान की तुलना तो दीपक सी की गई, वो अभी हमने पढ़ी कि वो भी भवन तक पहुंचाता, लेकिन बहुत मुश्किल मार्ग है ज्ञान का, मैं क्योंकि प्रलोभन रूपी हवा आती है जिसे अट्रैक्शन कहते हैं, वो उसे बुझा देती। अब भक्ति की विशेषता क्या है? श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मनी है। हे गुरु जी, वो जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिंदा अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती की तो कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक ही प्रकाश रहता है, फिर मोर पर दरिद्रता समीप नहीं आती क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। तो यानी मणि स्वयं प्रकाशित है, उसको भारी साधनों की आवश्यकता नहीं होती है जलाने के लिए। जो मणि स्वयं प्रकाशित होती है, कितनी भी हवा आए क्या वो बुझ सकता है? दीपक भारी साधनों पर डिपेंड होता है, घी चाहिए, बत्ती चाहिए, पात्र चाहिए, तब जाके वो जलता है, तो हवा आते बुझ जाएगी। जो मणि स्वयं प्रकाशित होती है तो कितने भी प्रलोभन आए, कुछ भी आए, वो कभी मणि जो है बुझती नहीं है। तो जिसके जीवन में भक्ति है उसका कभी पतन नहीं होता। और प्रभु का नाम को ही मणि कहा गया, राम नाम की महिमा पढ़ोगे नाम आत्मा में, तो क्या राम नाम रूपी मणि को दीपक को रख, तो राम नाम को मणि कहा गया है। तो जिसके जीवन में राम नाम की मणि है उसका कभी पतन नहीं हो सकता। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, उसके प्रकाश से अविद्या की प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतों का सारा समूह हार जाता है। यानी मद यानी श्रेष्ठता का नशा, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, जो भी श्रेष्ठता का नशा वो खत्म हो जाता है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है इंसान अपने को तुच्छ मानता है, उसको अपनी दैनता का महसूस होता है। तो उसके प्रकाश या विद्या रूपी प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतों का सारा समूह जल जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रो जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं उसको नहीं व्याप्ते। श्री राम भक्ति रूपी मणि
जिसके हृदय बसती है उसे सपने भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत पे वही मनुष्य चतुरों में शिरोमणि है जो उस भक्ति भी मणि के लिए भली भांति यत्न कर, जो मणि के लिए प्रयत्न करते हैं वो क्या कहते हैं, चतुरों में शिरोमणि है। आप प्रभु के नाम का जप करना ही वास्तव में भक्ति है, तो नाम के लिए प्रयास करना चाहिए जीव को। यद्यपि वह मणि प्रकट जगत में प्रकट है पर बिना श्री राम जी कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने भी सुगम है पर अभाग्य मनुष्य उन्हें ठुकरा देते, कर्ण के जीवा हिरानी राम राम करना है लेकिन जीव के पाप इतने प्रबल है वो कहता मैंने नहीं जपना मुझे मत कह, वो चिढ़ जाता कहो राम नाम जपने के लिए। वेद पुराण पवित्र पर्वत है, श्री राम जी के नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वत के सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनके खानों के रहस्य को जाने मर्मिया और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गज ज्ञान और वैराग्य ये दो उसके नेत्र हैं, जो प्राणी इसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुख खान उस भक्ति मणि को पा जाता है। तो कहते वेद पुराण पर्वत है, तो कहते प्रभु की जो कथा है वो खाने हैं, तो संत जानते हैं मर्म की किधर भगवान की कथा छिपी है। तो अगर हम सारे पर्वत को खोदे तो पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी। इसी प्रकार कलयुग में सबकी आयु छोटी है तो वेद की पुराणों को पर्वत से तुलना की गई है, तो सारे ना वेद पढ़े जा सकते हैं ना समझे जा सकते हैं ना सारे पुराण पढ़े जा सकते हैं। तो क्या कह संत क्या जाते मर्मी के किधर राम कथा है, इधर राम कथा ले लो, ये कृष्ण लीला यहाँ पे, नरसिंह लीला यहाँ पे, तो सीधा आपको भगवान की लीला की ओर ले चलते हैं। जो तो कहते संत पुरुष मर्मी और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है, हे गुरुजी ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं, जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुख खान उस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से बढ़कर हैं। वो कैसे, श्री रामचंद्र समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ है, तो समुद्र का पानी खारा है तो पी नहीं सकते, लेकिन बादल क्या करते हैं, तो बादल उसी समुद्र से पानी लेते हैं और उस पर मिठास मीठा करके पूरे विश्व में बरसाते हैं। ये तो नहीं कि भाई समुद्र किनारे बारिश होती है, सब जगह बारिश होती है। उसी प्रकार संत उन वेद पुराणों में से भगवान की कथाओं को निकालते हैं, अपनी भावना के मिठास डालते हैं और सर्वत्र उसको उसकी वर्षा करते। भिन्न भिन्न स्थानों में लोग कहते हैं भगवान कथा बड़ी सरल है, बड़ा आनंददायक, क्यों, क्योंकि उस पर संत ने अपनी भावना की मिठास बनाई है। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है, क्योंकि पवन का काम क्या, खुशबू कैरी करना। आम के पेड़ बगीचे तो आम की खुशबू, गुलाब के आएगा तो गुलाब की खुशबू कैरी करेगा। उसी प्रकार तो संत की तो पवन से की गई है, सब साधनों का फूल सुंदर हरि भक्ति है। मंदिर जाना, तीर्थ स्थान जाना, गंध का पढ़ना, सबका फल क्या है, प्रभु की भक्ति। उसे संत के बिना किसे नहीं पाया, ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है हे गजो उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदाचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं। तो कहते हैं वेद की तुलना समुद्र से की गई ज्ञान की पर्वत से, और संत देवता तो संत जब मत है तो क्या निकला, कथा को ही अमृत कहा गया, कथा ही पढ़नी चाहिए जिस पे भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त होती है वह हरि भक्ति ही है। तो कहते वीर कौन है, जो आपके जीवन के दुर्गुण और दुर्विचारों पर विजय प्राप्त करे वो वीर है। मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर कैसे मारोगे, प्रभु के नाम के द्वारा, क्योंकि जो क्रिया प्रभु करते वो नाम करता है, नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। तो कहते हैं वैरियों को मारकर जो विजय
प्राप्त करती हैं वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षी इसे विचार कर कहिए। पक्षीरा गुरुजी फिर प्रेम से बोले, हे कृपालु यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे आपका सेवक जानकर मेरे साथ प्रश्नोत्तर बखान कर कहिए। तो इस प्रश्न को हम कल पढ़ेंगे, विश्राम करते हैं। वांछा कल्पत्र भय से कृपा सिंधु भय च पतितानम पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।